अभी पुलिस को मुझसे पूछना था, इज ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने मुझसे पूछा, उसका मैंने उसका जवाब दिया एंड आई विल कोऑपरेट विद देम एंड आई विल कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद देम। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राकेश हमारे साथ। राकेश, क्या मामला है? पूछताछ हुई है, लेकिन अरबाज ये साफ साफ कहते नजर आए कि वे सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल माधुरी, देखिए तकरीबन 5 घंटे ये पूछताछ चली है। आज सुबह 11:30 बजे जो है अरबाज खान थाने क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर जो एक कैबिन में उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में इस मामले में पहले से गिरफ्तार जो बुकी है सोनू मलाड, इसे जो है अरबाज खान के आमने सामने बिठा करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जो है अरबाज खान ने ये बात कबूल की कि उन्होंने आईपीएल में जो सट्टेबाजी की, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि पिछले 6 सीजन में सट्टेबाजी की। इतना ही नहीं, पिछले साल उन्हें तकरीबन 2.75 करोड़ का इसमें नुकसान भी हुआ, उन्होंने ये बात भी कबूल की। और उनकी इस कबूली के बाद में उन्होंने ये भी बताया कि वो सोनू जलान को काफी लंबे समय से जानते हैं। इसके बाद में थाने क्राइम ब्रांच ने जो है उन्हें आज इस मामले में गवाह बनाने का तय किया और उनसे पूछा कि क्या वो गवाह बनने के लिए तैयार है, जिस पर अरबाज खान जो है वो थाने पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हुए और इस मामले में गवाह बनने के लिए तैयार हुए हैं। इससे जो है अब उनकी गिरफ्तारी की जो तलवार थी अब वो हट चुकी है, वो गवाह बनेंगे इस केस में और इससे थाने पुलिस को सोनू मलाड के खिलाफ केस मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अरबाज ने अपना गवाह बनने की बात भी मानी है और पुलिस को सहयोग करने की बात पर अब उनकी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो नहीं है, गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरह से पूछताछ उन पर चलती रहेगी और वो मुख्य गवाह के तौर पर इस केस में रहेंगे।